हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज बात करने वाला हूँ कोटक महिंद्रा बैंक के क्रेडिट कार्ड के बारे में। आपको बता दूं कि कोटक महिंद्रा बैंक का जो क्रेडिट कार्ड है उसकी क्रेडिट लिमिट जो है वो इंक्रीज हो रही है। किस तरह से आपको अपडेट आता है, किस तरह से आपको उसको एक्टिव करना है, इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप डिटेल में बात करने वाला हूँ, अपडेट देने वाला हूँ। वीडियो पहली बार देख तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब, और अगर आप क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं और सोच रहे हैं कि क्रेडिट कार्ड आपको मिल जाए तो इंस्टेंट अप्रूवल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा डिफरेंट बैंक के क्रेडिट कार्ड के, वो जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे स्क्रीन दिखाना चाहूंगा, व्हाट्सएप पे आपको आ जाता है अपडेट। और अभी मैंने देखा है कि मुझे टेक्स्ट मैसेज भी आया था क्रेडिट कार्ड को इंक्रीज के लिए। तो वहां पे देखिए, व्हाट्सएप में आप देख रहे होंगे कि साफ साफ लिखा हुआ है, मेरा नाम है, इंक्रीज योर क्रेडिट लिमिट एट जीरो कॉस्ट, कोई भी चार्ज के बिना आपका लिमिट जो है वो इंक्रीज होगा। इंजॉय योर इंक्रीज क्रेडिट लिमिट फ्रॉम 15,000, 15,000 के कोटक 811 क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है वो मेरी है टू, उससे यानी कि 15,000 से 18,000 ऑन योर कोटक क्रेडिट कार्ड फॉर योर डेली नीड्स, यानी कि 3,000 की क्रेडिट लिमिट जो है वो इंक्रीज हो रही है। अब देखिए वहां पे लिंक भी आया है। अब ये चीज ध्यान रखना कि जो ऑफिशियल अकाउंट होते हैं उसके आगे टिक होता है, कोटक महिंद्रा बैंक का जो यहाँ पे ऑफिशियल वेरीफाइड अकाउंट व्हाट्सएप है वहीं से आया है, तो ये चीज का भी आपको ध्यान रखना है। कहीं पर किसी भी लिंक पर आपको क्लिक नहीं करना है क्रेडिट कार्ड को लेकर के कि लिमिट इंक्रीज हो जाएगी या कुछ बेनिफिट हो जाएगा आपको, इसके लिए नहीं बोल रहा हूँ। कोई भी और इन फ्यूचर या आपके निजी जीवन में कोई लिंक या मैसेज आता है, तो यहाँ देखिए एक लिंक उन्होंने दिया है इंक्रीज माई लिमिट, उस पर मैंने क्लिक कर दिया। वैलिड भी देखिए, वैलिड है 11 अगस्त 2024, उससे पहले आपको करना है। अगर आपके पास इस तरह से व्हाट्सअप आता है या मैसेज आता है तो उस डेट से पहले आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका अगर लिमिट इंक्रीज हो रहा होगा तो आपका हो जाएगा। उसके बारे में अभी और बात करता हूँ। देखिए, जीरो प्रोसेसिंग फीस अप्लीकेबल, इस तरह से भी करके लिखा हुआ आ रहा है। तो आपको बता दूं कि जब मैंने वहां पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आपने मेरी वीडियो देखी होगी कि जो कोटक 811 क्रेडिट कार्ड है वो मैंने बंद कर दिया है। तो अब वहां पे अन अवेलेबल करके मुझे आ रहा है कि आप अन अवेलेबल है, क्रेडिट कार्ड इंक्रीज आपकी नहीं होगी, क्योंकि मैंने कोटक 811 क्रेडिट कार्ड ही बंद कर दिया। रुपए क्रेडिट कार्ड मेरे पास है और ये उसके लिए ऑप्शन था, लेकिन अभी आपको मैसेज जैसा कि मेरे पास आया है और जो टेक्स्ट मैसेज है, व्हाट्सएप मैसेज है, इस तरह से हो सकता है आपको देखने को मिले और उसके बाद आपकी जो कोटक महिंद्रा बैंक की क्रेडिट लिमिट है वो इंक्रीज हो जाए। तो आपको या तो इस तरह से अपडेट आएगा या फिर एक सेक्शन होता है जो लिमिट ऑफर चेक करने का, वो भी कोटक महिंद्रा बैंक के ऐप में जाकर के आप देख सकते हैं, कर सकते हैं। यहाँ पे स्क्रीन दिखाना चाहूंगा, अगर मुझे कोटक ऐप में मिलता है तो वो स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे दिखा दूंगा कि कहाँ पे आप अपने आप खुद ही ऐप में जा करके देख सकते हैं क्रेडिट कार्ड वाले सेक्शन में, जहाँ तक मुझे मिलने वाला है या आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो कोटक महिंद्रा बैंक की जो क्रेडिट लिमिट है वो इंक्रीज हो रही है, और अगर आपको इस तरह से मैसेज या फिर व्हाट्सएप पे आता है तो आप इंक्रीज कर सकते हैं। 3,000 का मुझे आया था, लेकिन क्योंकि मैंने क्रेडिट कार्ड बंद कर दिया, आपने पिछले दिनों वीडियो देखा होगा, तो इस वजह से जो लिमिट है वो मैंने इंक्रीज होने वाली जो लिमिट थी उसको मिस कर दिया। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप अगर क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं या सोच रहे हैं तो इंस्टेंट अप्रूवल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा डिफरेंट बैंक के क्रेडिट कार्ड के, तो वो जा करके आप अप्लाई कर सकते हैं। @SaareTimes नाम से इंस्टाग्राम अकाउंट है, वहां पर आ सकते हैं, वहां पर आपसे बातचीत हो सकती है, कुछ शेयर करना है या पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। सारे टाइम्स ब्लॉग्स के नाम से एक यूट्यूब चैनल और है जहाँ पर आपको ब्लॉग देखने को मिल जाता है, तो वो चैनल भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार।